हेलो गाइस, हम जा रहे हैं आगरा का ताजमहल घूमने और हमारे साथ है हमारी फ्रेंड। हमको अपने आगरा का ये वाला क्षेत्र बहुत अच्छा लगता है जहाँ पे मेट्रो के पूरा इधर रास्ता बना हुआ है और ये फतेहाबाद रोड करीब पड़ता है, तो ये बहुत अच्छा लगता है मुझे क्योंकि ताजमहल और किला और चौपाटी सारी चीज़ें इसी साइड में पड़ती हैं। मुझे अच्छा लगता है, मैं पहुंच गई अपनी फ्रेंड्स के साथ ताजमहल देखने के लिए। तो ताजमहल इससे पहले भी मैंने वीडियो डाले हैं, लेकिन मेरे लिए खास क्या है क्योंकि मैं इस समय अपनी फ्रेंड्स के साथ गई हूँ। मुझे अपनी फ्रेंड्स के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। मेरी लाइफ का सबसे अच्छा डे होता है जब मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ होती हूँ। मुझे इतना अच्छा लगता है कि मुझे किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं समझ में आती है, किसी की कोई चीज़ नहीं समझ में आती है इस समय। मुझे सिर्फ लगता है कि मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ रहूँ बस। और मुझे वहाँ पहुँचने के लिए एक छोटी सी गाड़ी करनी रहती है, सभी को करनी रहती है। वहाँ पे हम लोग भी पहुँच गए हैं उससे, और इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी है क्योंकि कोई भी पोल्यूशन वाली गाड़ी आगरा के ताजमहल के पास से नहीं जानी चाहिए क्योंकि उसका कलर चेंज हो रहा है, तो ये गाड़ी रखी गई है वहाँ पे। हम हैं, हमारी फ्रेंड अपर्णा जी हैं, प्रीता जी हैं, रेनू जी हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं सब लोग, हम लोग पहुंच गए हैं, एंटर हो रहे हैं। ताजमहल में बहुत भीड़ है। ये लोग आए हैं कानपुर से और लखनऊ से, रेनू जी तो मेरे साथ हैं ही हैं आगरा से। तो हम ऐसे तीनों चारों लोग मिल करके पहुंच गए हैं ताजमहल देखने के लिए। ताजमहल कौन देखता है, हम लोग गए हैं सिर्फ फ़ोटो खिंचाने के लिए। तो ये मिल गई हैं आंटी, हमको बहुत अच्छी लग रही हैं क्योंकि ये भी आई हैं ताजमहल देखने के लिए। तो मैं देख रही हूँ ताजमहल का कोई क्रेज़ नहीं कम हुआ है, ताजमहल अभी भी बाहर से लोग देखने आ रहे हैं और काफ़ी लोग आते हैं, बच्चे बूढ़े और जवान जिसको हम कह सकते हैं। तो हम लोग भी पहुँचे हैं और आज भी बहुत सुंदर रख रखाव इसका और पूरा वो सब रहता है। हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगा है, हम लोग यहाँ पे फ़ोटोज़ खींच रहे हैं, वीडियोज़ बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं और अपनी फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे हैं। हम लोगों ने ताजमहल के अंदर बाहर और उसकी जो बेंच होती है बैठ के लोग फ़ोटो खिंचाते हैं, तो आज तक आपने बैठी हुई बेंच पे फ़ोटो देखी होगी। एक हम लोग हैं जो हम लोग बेंच पे भी खड़े होकर फ़ोटो खिंचा के आएँ, तो इसको कहते हैं फ्रेंड्स के साथ मस्ती, एंजॉय और लाइफ को जीना। तो हम लोग के साथ में ये चीज़ रही, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा अपनी फ्रेंड्स के साथ क्योंकि ताजमहल देखना तो एक बहाना था, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना था। और ताजमहल तो वो लोग आई थी तो उनको दिखाना था, मैं गई थी उनको दिखाने के लिए, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनके साथ वहाँ पे हम लोगों ने फ़ोटोज़ खींची, वीडियोज़ बनाए, रील्स बनाई। तो आपको, आप गए हैं ताजमहल देखने कि नहीं गए हो और आपने क्या किया ताजमहल देखने के टाइम पे, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हम लोग निकल रहे हैं वहाँ से, तो ताजमहल पीछे छूटता जा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है इन लोगों को साथ में लेते हुए। तो हम जा रहे हैं अब अपने घर के लिए। हम लोगों ने तो फुल एंजॉय किया यहाँ पे और करीब 2 से 3 घंटा हम लोग यहाँ पे रहे। गर्मी बहुत थी लेकिन कोई असर नहीं था, फ़ोटोज़ खींचना जारी था हम लोगों का। तो इस तरह से हम लोगों ने पूरा ताजमहल को एंजॉय किया और बेंच पे खड़े होकर फ़ोटो खिंचाई। ये 4 चौकड़ी गई थी और चारों चौकड़ी वहाँ पे फुल एंजॉय करके आई है और बहुत अच्छा लगा हम लोगों को सबके साथ में, अपनी फ्रेंड्स के साथ में। तो किसी को नहीं ध्यान दे रहे थे, नोटिस नहीं कर रहे थे कि कितनी भीड़ है, क्या है, हम सब चारों अपने में ही मस्त थे। तो इस तरह का अगर कुछ माहौल रहता है तो दोस्तों के साथ तो एंजॉयमेंट बनता है। ओके, बाय गाइज, थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।